रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के नवादा स्थित भारतीय संगीत कला मंच के ऑडिटोरियम में, जहां पर एक गीत संगीत संध्या का आयोजन चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर सिंगर अमित बांगा जी। अमित जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। अभी जो ये गीत संगीत की महफिल चल रही थी, आपने एक गीत गाया, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। गीत हमने भी बहुत सुने, बहुत लोग गाते हैं, लेकिन जो दर्द हम आपके चेहरे पे देख रहे थे, सारे लोग इतने इमोशनल हो गए थे कि सबके चेहरे से हंसी गायब थी। क्या है ऐसा हादसा? सर, ऐसा कुछ नहीं है। बस क्या होता है कि हम कलाकारों के अंदर एक आदत होती है कि जो भी संगीत करें, जो भी गीत गाएं, उसे अपना समझकर गाएं और उसके अंदर वो फीलिंग्स लाने की कोशिश करें कि वो घटना हमारे ऊपर घटित हुई है। चाहे वो रोमांटिक सॉन्ग हो, चाहे वो सैड सॉन्ग हो, चाहे वो फ़नी सॉन्ग हो, अगर कलाकार उस गायकी में नहीं ढलेगा तो शायद वो कलाकार नहीं बन सकता। जब तक गायकी में फीलिंग नहीं लाओगे तो आप कलाकार नहीं बन सकते। बस यही मकसद था और कोई मकसद नहीं था। जो नए नए कलाकार हैं, वो उनको क्या संदेश देंगे, वो किस तरह से इतनी फीलिंग ला पाएंगे? पहले तो मैं नए नए कलाकारों को, जितने भी आजकल स्टेज पर गा रहे हैं, मैं जितने भी ऑडिटोरियम्स में जाता हूँ गाने के लिए, देखता हूँ, उनको अपने अंदर सुनने की पेशेंस लानी पड़ेगी, क्योंकि वह सुनना पसंद नहीं करते, सिर्फ गाना पसंद करते हैं। जिस दिन आप सुनने की क्षमता ले आओगे, उस दिन आप गायक बन जाओगे। और दूसरा, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर गायकी की क्वालिटी है, तो किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर ट्राई करिए, कोशिश करिए कि आपको मुकाम हासिल हो सके। यही उनको बोलना चाहूँगा। बहुत खूब, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जो मुकाम आपने सोचे हैं, आप जल्दी उनको अचीव करें। हमारी पूरी पूरी शुभकामनाएं, हमारा आशीर्वाद है। थैंक यू सर। कैमरामैन नदीम के साथ VP शर्मा, INS न्यूज़। मेरी दस